यूं तो देश की 58 सीटों पर चुनाव होना है छठे चरण में, लेकिन यूपी की बात कर ली जाए तो 14 सीट है उत्तर प्रदेश की जहां पर छठे चरण में वोटिंग होनी है। आखिर क्यों यूपी के लिहाज से छठा चरण बहुत अहम है और कह सकते हैं सबसे अहम है। इस फेज में क्यों उन लोगों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है जो चुनाव मैदान में नहीं है। अब आपको समझाते हैं, बताते हैं कि छठे चरण में किन राज्यों की कितनी सीट पर 25 मई को वोट डाले जाने हैं। छठे चरण में 8 राज्य हैं, कुल 58 सीट हैं जिन पर मतदान होना है। यूपी में 14 सीटों पर वोटिंग होनी है, दिल्ली के 7 सीट भी शामिल हैं, बिहार की 8 सीट पर मतदान होना है। वहीं हरियाणा की बात कर ली जाए तो 10 लोकसभा सीट पर हरियाणा में वोट डाले जाएंगे 25 तारीख को, तो झारखंड में 4 लोकसभा सीट, ओडिशा में 6 लोकसभा सीट पर और पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। लेकिन अब यूपी की हम बात कर लेते हैं ज्यादा। चार जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है। छठा चरण प्रचार का रण थम चला, चुनावी शोर पूरे देश के अंदर एक ही धूम मची है, एक ही स्वर में पूरा देश बोला है फिर एक बार और अब की बार 400 पार। प्रचार के आखिरी दिन बड़े बड़े दिग्गजों ने प्रचार में ताकत झोंक दी। पच्चीस मई को छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। कुल 889 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। छठे चरण में हरियाणा में सबसे अधिक 223 प्रत्याशी और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 20 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान के समय की अगर बात करें तो अधिकतर स्थानों पर सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होना है, लेकिन कुछ स्थानों पर समय में परिवर्तन किया गया है। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। यूपी की 14 सीटों पर कुल 162 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। छठा चरण सिर्फ हार जीत का फैसला नहीं करेगा, बल्कि कई बाहुबलियों की प्रतिष्ठा दांव पर है तो कई दलों के समीकरण का इम्तिहान होना है। छठे चरण के लोकसभा चुनाव में एक तरफ राजा भैया और दूसरी तरफ धनंजय सिंह के सियासी कद और काठी की अग्नि परीक्षा होगी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो अपनी रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर रही है उसको भी जनता परखेगी। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जहां पीडीए के फार्मूले पर मैदान में उतरी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण के आधार पर मैदान में उतरती हुई दिख रही है। छठे चरण में बीजेपी की दिग्गज लीडर मेनका गांधी, जगदम्बिका पाल, दिनेश लाल यादव निरहुआ, कृपा शंकर सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है तो सपा से धर्मेंद्र यादव का भी इम्तिहान होना है। देखना होगा अपने इम्तिहान में ये दिग्गज कितने नंबर हासिल करते हैं। ये चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर फेज उत्तर प्रदेश का इक्वली इम्पॉर्टेंस रखता है। ये चूँकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पे जो जातीय और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वाले जो समीकरण है थोड़ा भिन्न है, ये अलग इलाका है, लेकिन इसी इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कई सहयोगी हैं। भारतीय समाज पार्टी है, निषाद पार्टी है, अपना दल है, उनका असर है, तो दोनों गठबंधनों के बीच में बहुत मजबूत मुकाबला है। छठे चरण में अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की अग्नि परीक्षा होगी क्योंकि जिन जिन सीटों पर मतदान है वहां करीब हर सीट पर पिछड़ी जातियों के वोट प्रभावी हैं। कई सीट ऐसे हैं जहां अल्पसंख्यक यादव और अन्य पिछड़ी जातियों के वोट का हिस्सा है। आजमगढ़ की लोकसभा सीट 2024 के चुनाव के लिए न सिर्फ अहम है बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए अपने साख का सवाल खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी जहां पर पीडीए के फार्मूले के साथ इस सीट को जीतना चाहेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उपचुनाव में जीती थी उसी फार्मूले को एक बार फिर से जमीन पर उतारना चाहेगी। देखने वाली बात होगी कि आजमगढ़, जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, 2024 के चुनाव में वहां की जनता किसको पसंद करती है। उन्होंने जब नारा दिया था एक तरफ सपा तो दूसरी तरफ बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट का भी इसी चरण में इम्तिहान है क्योंकि छठे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहा है
उन पर बीजेपी की सहयोगी पार्टियों की प्रतिष्ठा और भविष्य दोनों दांव पर है। छठे चरण में सुभाषपा, निशा पार्टी और अपना दल का इम्तिहान होगा। ओपी राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल अपनी जाति के वोट दिलाने में कितने कामयाब होंगे, इसका भी इम्तिहान होगा। दरअसल इन दलों के मुखिया अपनी जाति के वोट दिलाने के नाम पर ही सत्ता में सुख भोग रहे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। गोरखपुर से लेकर इलाहाबाद तक राजभर, निषाद और पटेल जातियां जो हैं वो निर्णायक भूमिका में देखी जाती हैं। इसीलिए छठे चरण में इन गठबंधनों का इम्तिहान होना भी बाकी है। बहरहाल चुनावी शोर थम चला है, अब डोर टू डोर कैंपेन ही बाकी है। देखना होगा किसके दावों में, किसके वादों में, किसकी बातों का जनता पर जादू चला है और छठे चरण की 14 सीटों पर किसको कितनी बढ़त मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जी हाँ, तो चुनावी समर में 5 चरण बीत चुके 24 की चुनावी चौसर का खेल छठे राउंड में पहुंच चुका है और नतीजों के जितना करीब पहुंच रही है लड़ाई, मुकाबला उतना ही दिलचस्प होता जा रहा है। छठे राउंड में कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे फैक्टर्स हैं, कई फॉर्मूले हैं जिनका इम्तिहान होना है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि कितना और क्यों अहम है ये चरण। छठा चरण इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें बाहुबलियों का इम्तिहान होना है। सबसे पहला धनंजय सिंह के जौनपुर में जलवे का है, तो अनुप्रिया पटेल से सीधे टकराव के बाद अब प्रतापगढ़ कुशीनगर में राजा भैया का भी इम्तिहान होना है। छठे चरण में ही अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले की भी परीक्षा है क्योंकि छठे चरण में उन सीट्स पर वोटिंग होनी है जहां पर पीडीएफ फैक्टर यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सबसे प्रभावी है। सपा ही नहीं, बीजेपी के लिए भी ये चरण बहुत अहम है क्योंकि उसके सहयोगी दल कि SBSP, निषाद पार्टी, अपना दल का इम्तिहान होना है। राजभर वोट दिलाने में कितने सक्षम होते हैं इसका टेस्ट भी इसी चरण में होना है। संजय निषाद की सजातीय कितनी पकड़ है इसकी भी परीक्षा होगी क्योंकि छठे चरण वाली सीटों पर ही निषाद वोटर प्रभावी हैं। साथ अनुप्रिया का पटेल वोटर्स पर कितना असर है इसका इम्तिहान भी हो जाएगा। ये सभी चेहरे जाति के वोट दिलाने में कितने कामयाब होंगे और इसी चरण में ये नतीजे भी आ जाएंगे और पता चल जाएगा। अगर साल 2024 के छठे चरण की बात कर ले, इन 58 सीट की बात कर ले, तो 2019 में आंकड़े क्या कहते हैं ये आपको दिखाते हैं। यूपी की इन 14 सीटों में से बीजेपी ने 9 सीट पर कब्जा किया था, BSP ने 4 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट अपने कब्जे में ली थी। 14 सीटों पर थोड़ी देर में थम जाएगा चुनाव प्रचार और जो हालात 2019 थे वो भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बीएसपी ने 4 पर कब्जा किया था, समाजवादी पार्टी ने 1 और 14 में से 9 सीट बीजेपी के खाते में गई थी।